हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ सब्ट्रैक्शन. ठीक है, नाउ वी विल सी दैट हाउ वी विल सब्ट्रैक्ट द वर्ड प्रॉब्लम. ठीक है, रिलेटेड टू सब्ट्रैक्शन. नाउ सी, अ फ्लोरिस्ट हैज 7 फ्लावर्स. ओके, यू नो द मीनिंग ऑफ फ्लोरिस्ट. फ्लोरिस्ट मीन्स जो फूल बेचते हैं. ठीक है, अ फ्लोरिस्ट हैज 7 फ्लावर्स. ही सेल, सेल मीन्स होता है बेचना. ही सेल 6. ठीक है, How many flowers are left with him? Now you see, a florist has 7 flowers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And out of 7, he sell how many flowers? 6 flowers. So see, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So how many left? Only 1 flower left. So it means a florist has 7 flowers. He sell 6 flowers equal to 1. And why minus we have put? Because 6 टेक अवे. ठीक है, 6 सेल हो गए, मतलब उसने अपनी तरफ से हटा दिए वो. ठीक है, चलिए नाउ वी विल सी द सेकेंड वर्ड प्रॉब्लम. देयर आर 9 फिश इन अ लेक. ठीक है, देयर इज़ अ लेक एंड देयर आर 9 फिश. ठीक, बस फिशेज. देयर आर 9 फिशेज इन अ लेक. 3 स्विम टू द शोर. शोर यू नो साइड, जो पानी का किनारा होता है ना वो. ठीक है, सो देयर आर 9 फिश इन अ लेक. 3 स्विम टू द शोर. हाउ मेनी फिश आर लेफ्ट इन अ लेक. अब उन्होंने ये बोला कि टोटल लेक में 9 फिशेज थी. उन 9 फिशेज में से जो 3 फिशेज थी वो शोर तक वापस आ गई. तो अब टोटल हाउ मेनी फिशेज आर लेफ्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल काउंट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 फिशेज. एंड हाउ मेनी कम टू द शोर? 3 फिशेज. तो वी विल कैंसिल 3. 1, 2, 3. सो हाउ मेनी लेफ्ट? 1, 2, 3, 4, 5, 6 left. So first of all we will write 9 here. Minus 3 equals to 6. Okay? I think you're getting my point. Now next. Johan picks 8 balloons. ठीक है? Pick मतलब होता है उठाना. Johan picks 8 balloons. He gives 4 to his sister. Johan ने 8 balloons उठाए और उसमें से ही गिव्स. गिव्स मतलब क्या होता है? देना. सो ही गिव्स 4 टू हिज सिस्टर. ठीक, सो हाउ मेनी बैलून्स आर लेफ्ट? अब नाउ सी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ओके, सो हाउ मेनी बैलून्स? 8 बैलून्स. एंड हाउ मेनी योहान गिव्स टू हिज सिस्टर? योहान गिव 4 बैलून्स टू हिज सिस्टर. सो वी विल क्रॉस 4. 1, 2, 3, 4. हाउ मेनी बैलून्स आर लेफ्ट? सी, 1, 2, 3, 4. So it means what will come here? We have total 8 balloons. Johan gave 4 balloons to his sister. So we have total 4 balloons with us. Okay? Now last. Maddie has 7 gifts. Okay? There is a boy, Maddie, who has 7 gifts. She opens 5. Okay? She opens 5. Maddie has 7 gifts. उसके पास 7 gifts हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, 7 gifts. She opened 5. ठीक है, उसने उसमें से कितने ओपन कर लिए? 5 ओपन कर लिए. How many gifts are left to be opened? Now the question is कि उसके पास टोटल 7 gifts थे. उसके पास टोटल 7 gifts थे, उसमें से उसने 5 gifts ओपन कर लिए. तो टोटल उसके पास कितने गिफ्ट बचे? Now let's see. 1, 2, 3, 4, 5. How many gifts are left? Only 2 gifts are left. I think these all four word problem are clear to you. Now you have to do all these word problem in your copy as well. Okay?